हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन। सिमरन की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रोटी फूली फूली कैसे बनाएं और रोटी का डो कैसे लगाएं। चलिए देख सकते हैं, मेरी रोटी एकदम फूली है और मैंने ली एक परात। आप कुछ भी ले सकते हैं, बाउल कुछ भी ले सकते हैं। हमें आटा छान लेना है। फिर हमने छान लिया है और हम सारे आटे को एक साथ कर एक पास ले जाएंगे। सारे आटे को ऐसे करके फिर हमें पानी लेना है। हमें पानी कम से कम गिरना है, कम गिरना है, क्योंकि हम एक साथ गिरेंगे ना तो आटा पतला भी हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी गिरेंगे ना तो हमारा जो डो होगा ना एकदम परफेक्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी गिरना है, देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी गिरा और हमने एक संग डो बना लिया है। डो बनाने में मैंने नमक लिया है। नमक मैंने इसलिए पहले नहीं गिरा जो आटे में, जो इसलिए अच्छा गुन जाता है। जो बाद में नमक गिरते हैं ना एकदम चिकनास सी आ जाती है और छिड़क जाता है। और हमें 5 मिनट तक ऐसे आटा गूंदना है, घूंसे लगाने हैं। हम घूंसे नहीं लगाते ना, ऐसे ही कर कर रख देते हैं तो हमारी रोटियां ना फूलती हैं, ना अच्छी बनती हैं, ना सॉफ्ट रहती हैं। इसलिए हमें आटे को गूंदना और ऐसे प्रेस करना है 2 से 3 मिनट, और ऐसे प्रेस करना है, मतलब ऐसे रोल बना बना के ऐसे करना है। फिर हमें 5 मिनट के लिए ऐसे आटा करके ढक कर रख देना रेस्ट के लिए। अब हम 5 मिनट बाद बनाएंगे रोटियां। मैंने थोड़ा प्लोथन ले लिया है, तवा गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम बनाते हैं रोटी। रोटी के लिए एक लोई लेनी है, तो हमने ऐसे करना, हमें ज़्यादा मोटी लोई ली है, हमने एकदम परफेक्ट लोई ली है। और ऐसे आटे में प्रेस कर लेना है और 2-3 बार ऐसे उंगलियों से प्रेस कर लेना रोटी को। फिर हमें थोड़ा आटा लगाना है। फिर हमें ऐसे चारों तरफ से गोली, हम बीच से नहीं गोलेंगे, बीच से गोलेंगे किनारे मोटे रह जाएंगे तो रोटी नहीं फूलेगी, और रोटी और साइड से किनारे मोटे रह जाएंगे तो रोटी अच्छी भी नहीं आएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में भी। और बीच चारों तरफ से बेलनी है हमें, देख सकते हैं ना, मैं बीच से बेल रही हूँ, मैं चारों कोने पर रोटी बेल रही हूँ, तो अपने आप ही बढ़ती है और वो हो जाती है। एकदम परफेक्ट रोटी बनी है। आप इसे ऐसे कर लें क्योंकि जो हमारा परोथन होगा वह सारा निकल जाएगा। इसलिए मेरे पैन गर्म हो गया है, इसके बाद मैंने 2 रोटी को ऐसे पलटा है और फिर इस पर गिर दिया कि जो हमारा परोथन होगा ना वो सारा झड़ जाता है और रोटी एकदम वो होती है ना। ज़्यादा तो परोथन लगाया ना मैंने, वो करा एकदम रोटी गोल आई है। इस टाइप में मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ जूम कर रोटी को इस टाइप में बेलना है। एक साइड से हमारी रोटी सीख गई तो मैंने पलट दी है। देखो बेलन मेरा किनारों पर चल रहा है, बीच में नहीं चल रहा मेरा बेलन, इस टाइप में चलाना है। ऐसे हाथ से प्रेस करना है। एक रोटी पच चुकी है, हमने दूसरी रोटी को नहीं, आपको मीडियम फ्लेम पर सेकना है। देख सकते हैं ना मेरी रोटी जली, एकदम फूली फूली बनी है ना। फिर हमने दूसरी रोटी एक साइड में ही वैसी रही तो हमने साइड से पलट दिया और हमें सेक देना है इस रोटी को। एकदम फूली फूली रोटी बन रही है, ना कहीं से जली ना कहीं से वो हुई। हमारी रोटी बनकर रेडी है, एकदम गोल, ना जली ना कहीं से वो ही। और ये मैंने, और इसे देखो कितना सॉफ्ट, देख सकते हैं ये रोटी कितनी, देखो ना कहीं से जली, अच्छी है, देखना कितनी सॉफ्ट रोटी है। इसे हम पूरे दिन भी ऐसे रखेंगे ना तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन का प्रेस करें।